नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यूपीपी का तीसरा पेपर सामान्य हिंदी के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मिठाई, बी चतुराई, सी लड़ाई, डी उतराई। तो हमारा आंसर है मिठाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? परामवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक या हेतुवाचक। तो हमारा आंसर है परामवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिगेयार्थ वाचक शब्दों का संबंध किससे है? प्रणात्मकता से, परिमाणवाचकता से, इनमें से सभी या मूलार्थवाचकता से। तो हमारा ऑप्शन से डी सही है, मूलार्थ व्यंजकता से। वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। हमारा ऑप्शन है प्लुत, बी मुह, सी कर्म, डी प्रलाप। तो हमारा आंसर है प्रलाप। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है मिश्र वाक्य। वहाँ जाओ निषेधात्मक, प्रश्न सूचक, आज्ञार्थक, अनुरोधवाचक। तुम्हारा ऑप्शन सी सही है, आज्ञार्थक। वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंड में बांटकर उन्हें ए बी सी डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस लड़के पर ए किसी का बी डर नहीं, सी कोई त्रुटि, डी। तो हमारा आंसर है इस लड़के पर, ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिताजी मुझको नई कमीज ए और माँ के लिए बी एक सुंदर साड़ी लाएं, सी कोई त्रुटि नहीं। तो हमारा आंसर है ए, पिताजी मुझको नई कमीज। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुपयुक्त, अनुपयु, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। तो हमारा आंसर डी सही है, अनुपयुक्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्षम, 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 सक्षम। तो हमारा आंसर सी सही है, सक्षम। निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? ऑप्शन ए निधनचल, निश्धनचल, निश्धनचल, निधनचल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए निधनचल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? ऑप्शन ए मन्वंतर, बी दिग्गज, सी उच्चारण, डी उद्योगपति। तो हमारा आंसर ए सही है, मन्वंतर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सपरिवार अवैभव, तत्पुरुष, दिगु, बहुब्री। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, बहुब्री।
हमारा अगला क्वेश्चन है रामानुज, तत्पुरुष द्वंद्वसम, कर्मधारय बहुव्रीहि। तो हमारा आंसर ए सही है, तत्पुरुष। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरसिज, ऑप्शन बी अंबुज, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी वारित। तो हमारा आंसर डी सही है, वारित। निरंकुशता किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए स्वच्छारिता का, स्वतंत्रता का, आत्मनिर्भरता, वीरता। तो हमारा आंसर ए सही है, स्वच्छाचारिता। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक के चार विकल्प अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तन्मय। ऑप्शन ए शारीरिक, एकाग्रचित, भौतिक और चालक। तो हमारा आंसर है बी एकाग्रचित। अगला क्वेश्चन मनोज, मन स्थिति। बी मानसिक, सी मनोरम, डी कामदेव। तो हमारा इसका आंसर है डी कामदेव। निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त विलोम शब्द चुनें। हमारा अगला क्वेश्चन है परोक्ष। ऑप्शन ए विपक्ष, बी प्रत्यक्ष, सी उत्कर्ष, डी अपकर्ष। तो हमारा आंसर है बी प्रत्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है निकृष्ट, कृतिधन, कृतज्ञ, उत्कृष्ट, निष्पक्ष। तो हमारा आंसर है सी उत्कृष्ट। नीचे एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए अकिंचन। निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द चार विकल्पों में से चुनना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी योगी, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन डी मुमुक्षु। तो हमारा आंसर है मुमुक्षु। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक चार विकल्पों में से असंगत बेमेल शब्द का चयन करें। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑप्शन ए साक्ष, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी गवाही, ऑप्शन डी शहादत। तो हमारा आंसर है शहादत। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षुद्र अधम, ऑप्शन सी कृपण, ऑप्शन डी नीच। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी कृपण। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः ए और सिक्स की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्य के चाको चार भागों में बांटकर या रा ला वा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जीवन के मूल मंत्र थे सत्य और अहिंसा या उनकी
आत्मकथा सत्य के प्रयोग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। रा किसी प्रकार की हिंसा का श्रेय आश्रय लेकर प्राप्त की गई स्वाधीनता भी उन्हें स्वीकार न थी। ला अहिंसा से उनका तात्पर्य था मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। वह सत्य के बिना वे कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार न थे। सी सिक्स वास्तव में गांधी को वो महामानव नहीं देवताओं की कोटि में रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए ला रा या वा, ऑप्शन बी रा ला वा या, ऑप्शन सी वा या ला रा, ऑप्शन डी या वा ला रा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वा या ला रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने देश के कई भागों में इधर उधर तांबा काफ़ी मात्रा में बिखरा पड़ा है या जमीन के ऊपर बने छेद से तेजाबी घोल डाला जाए तो तांबा उसमें घुल जाएगा। रा विस्फोट करने से जमीन के अंदर का ताम्र अयस्क भंडार टूट फूट जाएगा। ला पारंपरिक तरीकों से इसे निकालने में बहुत खर्च आएगा व इसके लिए न्यूक्लियर विस्फोट बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सिक्स इस द्रव्य तांबे को ऊपर खींचा जा सकता है। ऑप्शन ए व ला रा या, ऑप्शन बी या रा व ला, ऑप्शन सी ला व रा या, ऑप्शन डी व र या ला। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी या रा व ला। नीचे के प्रश्नों में दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। इस गुफा में गया काल वलित हो गया। ऑप्शन ए कौन कोई, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी जो कोई। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी जो कोई। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्याम ने एक कुर्ता और धोतियाँ खरीदा। ऑप्शन बी खरीदी, ऑप्शन सी खरीदी, ऑप्शन सी खरीदें। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी खरीदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। शैतान के कान कतरना, ऑप्शन ए नालायक होना, ऑप्शन बी बेसमझ होना, ऑप्शन सी नास्तिक ना होना, ऑप्शन डी चालाक होना। तो हमारा आंसर है चालाक होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतड़ियों का बल खोलना। ऑप्शन ए आराम करना, ऑप्शन बी भूख मिटाना, ऑप्शन सी प्यास दूर करना, ऑप्शन डी अपना भेद प्रकट करना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी अपना भेद प्रकट करना कर देना। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, प्रत्येक के वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ चयन कीजिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, ऑप्शन ए अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, ऑप्शन बी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, ऑप्शन सी अचानक कोई लाभ होना, ऑप्शन डी अपात्र को सफलता मिल जाना। तो हमारा आंसर है अपात्र को सफलता मिल जाना। आप डूबो तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है,
ऑप्शन बी, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। ऑप्शन सी, स्वयं डूबे और यार को भी ले डूबेंगे, सबके मन सबको अपने समान समझना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। भरतहि खोइ न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सिकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। तो हमारा पहला ऑप्शन है उदाहरण, बी दृष्टांत, सी निदर्शना, डी व्यक्ति रेख। तो हमारा आंसर है बी दृष्टांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे, मन का मन का फेर। ऑप्शन ए अनुप्रयास अनुप्रास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी रूपक। तो हमारा आंसर है सी यमक। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन डी बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी। तो हमारा आंसर है एकांकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। ऑप्शन ए पुनर्नवा, ऑप्शन बी परख, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी एकादनेमी सारण्य। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी परख। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भगीरथ, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी विश्वनाथ मिश्र। तो हमारा आंसर है विश्वनाथ मिश्र।